महाराज बड़े खतरनाक काले काले हैं, एक भी खुला छूट गया तो जाने कितने को डंक मार के आ जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। और वो कहती है मुझे झोली वाला नेक चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी दे तो दूंगा, लेकिन लेने के बाद जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब वो सोच रही है, सोच रहे होंगे कि मैंने सोना देखा नहीं है, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, यही सोच रहे होंगे। अरे महाराज मैंने बड़े धन देखे हैं, आप बस मुझे वो वाला दे दो। भोलेनाथ ने कहा दे तो दूंगा, लेकिन पहले आंख बंद करो। उसने कहा इतना ज्यादा देंगे क्या कि मैं देखूंगी तो मेरी हालत ठीक नहीं रहेगी। उसने भी दोनों आंख बंद करके हाथ फैलाया, महाराज देव। अब भोलेनाथ झोली में हाथ डाले, एक काला पहाड़ी बिच्छू निकाला, कहना बस जाओ उसको तो यही चाहिए तो देना ही पड़ेगा। और जैसे हाथ पे रखा उसने देखा कुछ तो आ गया। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, अब आंख खोल के अपना नेग देख लो। और जैसे नेग देखा महाराज, ऐसा चिल्ला करके भगी घिघिया करके कि फिर वापस फिर मंडप में आई ही नहीं। भोलेनाथ ने पूछा और किसी को चाहिए? सबने कहा नहीं महाराज, हम लोग बड़े आनंद में हैं, कोई नेग नेवछावर नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के नेवछावर क्या। नाऊ बानी अपना अपना नेग मांगने आए, नाऊ बानी अपना अपना नेग मांगने आए, नाऊ बानी अपना अपना नेग मांगने आए, नाऊ बानी अपना अपना नेग मांगने आए। किसी को काला सर्प किसी को सर्प किसी को बिच्छू देने लागे, किसी को बिच्छू देने लागे, डर से भागे लीना ऊटी आई मांचल लगे, डर से भागे लीना ऊटी आई मांचल लगे, पहुंची होना की नगरी आई मांचल लगे, होने लगे नगरी आई मांचल लगे। महाराज बहुत धूमधाम से भगवान शिवा और शिव का ये मांगलिक विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। जोड़ियाँ तो बहुत बनी होंगी, लेकिन शिव पार्वती की तरह जोड़ी आज तक नहीं बनी होंगी। भगवान, हमने एक दिन बताया था ना कि भगवान शिव का वर्ण कैसा है, का कर्पूर गौरम, और पार्वती जी कैसी हैं, इनका नाम ही गौरी है, इतनी गोरी थी कि इनका नाम ही गौरी पड़ गया, गौर वर्ण की है महाराज, श्वेत वर्ण की है। तो बड़ी प्यारी ये जोड़ी लग रही है। आइए हम लोग भी दोनों मंडप में बैठे हैं और सारे लोग इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, इसके लिए इनको इनका मंगलानुशासन कर रहे हैं, मंगलाशीष इस सुंदर जोड़ी को दे रहे हैं। आइए हम सब भी प्रार्थना करें ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। आइए बड़े भाव से दो पंक्ति। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी 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 का जवाब नहीं, नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनी है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आगे दूल्हा बनी है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब, दूल्हा बनी है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गोरी 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 पार्वती जी भोली भोली, पार्वती जी गोरी गोरी, पार्वती जी गोरी गोरी, पार्वती जी गोरी गोरी, पार्वती जी गोरी गोरी, भोलेनाथ सरकार, भोलेनाथ सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, भोलेनाथ सरकार जोड़ी का जवाब ओ आजे ओ आजे दूल्हा बनी है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं।
बने भोले नाथ जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओ पार्वती जी महलों वाली, 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 महलों वाली हम महलों वाली, महलों वाली हम महलों वाली, भोलेनाथ सरकार जय हो, भोलेनाथ सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, भोलेनाथ सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आगे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, आगे बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, आगे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब पार्वती ओढ़े लाल चुनरिया, पार्वती ओढ़े लाल चुनरिया, पार्वती ओढ़े लाल चुनरिया, पार्वती ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, बाघा पर भोलेनाथ जय, बाघा पर भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हन बने भोले जोड़ी का जवाब नहीं, आज जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, दुल्हा सरकार की, दुल्हिन सरकार की। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, और अब जो प्रसंग आ रहा है बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है शिव पुराण में, और इन माताओं के लिए बड़ा अनमोल प्रसंग है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। देखिए, विवाह के अनंतर और विदाई के समय शिव पुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैंने श्री जानकी जी के विवाह के बाद भी विदाई के समय बस एक सूत्र दिया था आपको कि हम बेटी को विदाई के समय क्या देकर के भेजे। ये समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हम बेटी को क्या दें। हमने निवेदन भी किया था कि आजकल लोग सेट जुटाकर देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कोई बर्तन सेट, कोई सोफा सेट, कोई टीवी सेट, सारा सेट देकर भेजते हैं और बेटी का जीवन अपसेट रहता है ना। हमारी बिटिया का जीवन कैसे अच्छा हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम क्या दे करके भेजें कि उस बेटी का जीवन अच्छा बना रहे। तो यहां पर मैया मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाया है, ध्यान से सुनेंगे। और विदाई के पूर्व उसने श्री पार्वती जी को उपदेश किया है, और वह उपदेश है पातिव्रत धर्म का। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए,
उसको समझाया है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओ द्विज पत्नी आई और उसने बड़े प्यार से माँ मैना की इस लाडली बिटिया श्री गौरा जी को समझा रही है, प्यार से उपदेश दे रही है। ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। गिरिजे श्रृणु सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम इहा मुत्प्रानंदकरम श्रृणवताम च सुखप्रदम। ध्यान से बिटिया सुनना, और हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी विदाई के समय इस शिव पुराण का यह जो धर्मोपदेश है हर बेटी को देना चाहिए, सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रसंग है। हमने एक बात और कही थी कि जो आज बहुत बड़े लोग हैं वो कार देकर के बेटी को विदा करते हैं। कार देकर विदा करना महत्वपूर्ण नहीं है, कार की जगह पर अपनी बेटी को संस्कार देकर के विदा करो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बेटी संस्कार लेकर के घर से जाएगी उसका जीवन अच्छा होगा। धर्म क्या है का देखो, भुंजाद भुक्ते प्रिये पत्यौ पाति व्रत्य परायणा तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। उस ब्राह्मण पत्नी ने श्री पार्वती जी को समझाया, देखो बेटी, स्त्री को चाहिए कि पति भोजन करे उसके बाद ही भोजन करे, ये नियम है हमारा। आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख रहे, संपत्ति रहे और सन्मति रहे, अच्छी मति रहे, तो क्या करना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए। कहा बेटी, अपने पति को भोजन कराने के बाद तभी भोजन करना चाहिए, इससे घर और परिवार का कल्याण होता है। नहीं तो एक जगह आधी रात को बालकोनी में एक स्त्री टहल रही थी। ध्यान से सुनना, ये दिल्ली की घटना है। तो बालकनी में टहल रही थी तो उसकी पड़ोस की एक आंटी जी थी, तो उन्होंने कहा बेटी 12 बज गया तो अभी तक सोई नहीं है। तो उसने कहा कि आंटी जी क्या बताऊं, अभी मेरे हस्बैंड माने पतिदेव आए नहीं है। अब तो हस्बैंड ही होते हैं महाराज, अब पति कहाँ होते हैं, ऐसे बैंड होते हैं जिसको बजाती रहो और ही हंसते रहे। अब तो बैंड चाहिए, अब पति कहाँ। तो उसने कहा कि असल में वो आते हैं और तभी मैं भोजन करती हूँ और सोती हूँ। उस आंटी जी ने कहा बाप रे, देखो तो आज के समय में भी पतिव्रता स्त्रियां हैं। वाह बेटी, दिल खुश हो गया तुम्हारी बात सुनकर, पति आते हैं भोजन करा करके तब भोजन करती हो ना। उसने कहा नहीं आंटी जी, वो आते हैं तभी तो भोजन बनाते हैं, तभी तो खा करके सोऊंगी। अब आप समझ गए, अब ऐसी पतिव्रता होने लगी, वो बेचारे जॉब करके आके बनाएंगे तब मैं खाऊंगी, ऐसी पतिव्रता ठीक नहीं है। पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे। दूसरी बात, स्वप्याज स्वपितिम च सा नित्यम बुद्धे तो प्रथमम सुधि। पति के शयन करने के बाद सोए और पति के जागने के पहले जाग जाए, पति से छल रहित होकर के व्यवहार करें, ये दूसरा धर्म है। तीसरा धर्म क्या है, कहा कभी बिना श्रृंगार के अपने पति के पास न जाए, बिना अलंकार के अलंकृत मात्मानं दर्शेन्न क्वचित शिवे कार्यार्थम प्रोषिते तस्मिन् भवेन मंडन वर्जिता। माने देखिए, श्रृंगार करके ही जाना चाहिए, श्रृंगार रहित होकर के नहीं रहना चाहिए। एक बात कहूं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, अलंकार रहित होकर के न जाए। और कहा यदि पति
पत्नी से दूर रहे, परदेश चला जाए, तब क्या करे? कहा तब पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को शरीर का श्रृंगार करना नहीं चाहिए। जब पति हो तो मतलब उसका श्रृंगार अपने पति के लिए होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ। दूसरी चीज, कभी पति का नाम लेकर के ना बुलाए, ठीक है? पति का नाम लेकर के ना बुलाए। पत्युर नाम न गृहिणीयात कदाचन पतिव्रता, अपने पति का नाम लेकर के बुलाना नहीं चाहिए। और ऐसा कार्य करे जिसमें पति की प्रसन्नता हो। पति को अप्रसन्न करके कोई कार्य करना नहीं चाहिए, या ऐसा कार्य करे जिसमें पति को खुशी मिले, ऐसा कार्य न करे जिससे पति को दुख मिले। वैसे भी श्रेष्ठ, वैसे भी घर में बड़ों का भी नाम न ले। हाँ, एक घटना हमने सुनी थी, अब याद आ गया कि एक स्त्री का विवाह हुआ, गई वहाँ पे, तो गांव में विवाह हुआ था, तो दधि मंथन की और माखन निकल आया, तो जाकर अपनी सासू माँ से कही कि माँ जी माखन निकल आया, अब आगे क्या करना है? उसने डांट कर कहा, तुझे पता नहीं तेरे ससुर का नाम है? ससुर जी का नाम माखन लाल था, तू आते ही ससुर का नाम ले रही है। अब तो डर गई महाराज। अगले दिन फिर उसने दही मंथन किया और आकर कहा, सासू माँ ससुर जी बाहर निकल आए हैं, अब क्या करना है? ये नहीं कि ऐसा भी बोले, इसका भी ध्यान रखे। तो और उसके बाद का पति बुलाए तो सारा कार्य छोड़कर उसके पास आना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये भी पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण है। आहूता गृहा कार्याणी त्यक्त्वा गच्छेत् तदंतिकम् सत्वरम् सांजलिः प्रीत्वा सुप्रणम्य वदेदिति। अब पति खेती करके आ रहा हो, व्यापार करके आ रहा हो, या नौकरी करके आ रहा हो, लेकिन जब पति घर में आए और बुलाए तो सभी काम छोड़ करके उसके पास दौड़ो और विनम्रता से पूछो, जी बताएं। और आजकल क्या होता है, अब खेती करके आए, व्यापार नौकरी करके आए, अरे सुनती हो, जरा एक लोटा पानी लाना, प्यास लगी है। तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है बेटे से, अरे, या बेटी होगी तो बेटी से कहती है, अरे गुड़िया जरा पापा को पानी दे दे। तो गुड़िया क्या कहती है? अरे छुटकी तू पानी दे दे। तो छुटकी कहेगी, अरे भैया तू पानी दे दे। अब पति सोते हैं, इतने देर में तो मैं खुद लेके पी लिया होता। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये पतिव्रता स्त्रियों का धर्म नहीं है। सब काम छोड़ करके आओ। और कहा दरवाजे पर बहुत देर खड़ी होकर के इधर उधर देखना नहीं चाहिए। पति के हित के लिए ही हमेशा कार्य करना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना समाज के भी किसी कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहिए। ये भी लिखा है महाराज, यहां तक लिख दिया कि न गच्छे तीर्थ यात्रा मोई पत्याज्ञाम न बिना क्वचित दूरतो वर्जेत साही समाजोत्सव दर्शनम। यहां तक कि यदि पति यदि नहीं चाहता तो उसके आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा करने भी न जाए। पति को समझाकर प्रसन्न करके संतुष्ट करके ही जाए, मतलब पति से विरोध करके न जाए। महाराज यह भी और ऐसा है, ठीक है? दूसरा का पति के भोजन के पश्चात, पति के भोजन के बाद जो उच्छिष्ट बचे, उस उच्छिष्ट को भी प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। और क्या लक्षण है ध्यान से सुनना, इधर इधर ध्यान रखिए आप लोग। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय जय। और कहा देखो, गृहस्थ जीवन का एक धर्म है। आपके घर में यदि देवता हैं तो पहले उनको भोग लगा के भोजन करना। बात समझ में आ रही है?
ठाकुर जी रखे हैं, गोपाल जी रखे हैं, जो भी चित्रपट की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले उनको भोग लगाओ। और का घर में यदि कोई सेवक है तो उसको खिलाकर खाना। घर में गाय है तो गाय को पहले खिलाना, ये धर्म है, अपने बाद में भोजन करना। कोई भिक्षुक आ गया दरवाजे पर तो उसको भी भोजन देना, ध्यान से समझना। कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन करा करके भोजन करना, ये धर्म है। कोई साधु महात्मा संत आ जाए तो उनको भोजन करा के भोजन करना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। विभीषण शरणागति के समय जब विभीषण शरण में आए तो हनुमान जी को छोड़कर सबने विरोध किया, शत्रु का भाई है। तो राम जी ने वहां एक कबूतर की कहानी सुनाई है, आप पढ़ेंगे, बड़ी सुंदर कथा है, आप भी ध्यान से सुनना। एक जंगल में कबूतर था, एक कथा राम जी सुना रहे हैं बंदरों को समुद्र के तट पर। तो कबूतर कबूतरी उस जंगल में रहते थे। एक शिकारी आया और शिकारी ने उसके कबूतरी को मारकर अपनी झोली में डाल लिया। कबूतर बड़ा दुखी था, आज इस बहेलिए ने मेरी कबूतरी का शिकार कर लिया। और वो बहेलिया कबूतरी को मारकर जाने लगा, उसी समय तेज आंधी पानी आई, वो जा नहीं सका और जंगल में ही फंस गया। उस वृक्ष के भीतर एक कोटर था, उसी के भीतर छिपा रहा। तेज वर्षा हुई, वो भीग गया था। आधी रात को बारिश खुली, वो थर 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 ठंडी से कांपने लगा और भूख लगी बहुत तेज। कबूतर ने देखा कुछ भी हो, भले इसने मेरी कबूतरी को मारा हो, लेकिन जिस पेड़ पर मैं रहता हूं उस पेड़ के नीचे इसने आश्रय लिया है। ध्यान से सुनना, कथा गंभीर है, राम जी ने सुनाया है, कोई साधारण कथा नहीं है। कबूतर ने कहा कुछ भी हो, भले इसने मेरी कबूतरी को मारा हो, लेकिन ये मेरे घर का अतिथि है। वो आधी रात को उड़ते हुए गांव में गया, वहां से एक जलती लुकाठी को चोंच में पकड़ के लाया, इसके पास गिरा दिया। उसने जलती लकड़ी देखी, सूखे पत्ते निकाले, कोटर से कुछ सूखी लकड़ियां चुनी और फिर आग जला लिया। और आग जलाया तो उसकी ठंडी दूर हो गई और फिर का उसी की कबूतरी को भूनने लगा खाने के लिए, ताकि इसका मांस खाऊंगा तो कुछ पेट भरेगा। और उसकी कबूतरी को भून रहा था तो कबूतर ने सोचा, ये मेरे घर का अतिथि है, मेरी कबूतरी में थोड़ा सा मांस है, इतने से इसका पेट नहीं भरेगा और आधा पेट मेरे घर के नीचे, मेरे पेड़ के नीचे कोई सो जाए तो मेरा धर्म चला जाएगा। यह सोचकर वह कबूतर उड़ता हुआ आया और जिंदा अपने को उस आग के हवाले कर दिया, ताकि यह मेरे भी मांस को खाकर पेट भर करके तब मेरे पेड़ के नीचे सोए। जिस देश में एक कबूतर भी धर्म का पालन करता है, बात समझ में आ रही है? आपके घर आए, आपके गांव आए, आपके शहर आया व्यक्ति, कोई भूखा न सो जाए, कोई महात्मा न सो जाए, कोई ब्राह्मण न सो जाए, कोई अतिथि न सो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, इसका ध्यान रखो। उसको जरूर जो भी आपकी क्षमता हो खाने को दे दो, बात समझ में आ रही है? आज पार्वती जी के विदाई के समय धर्म सिखाते हुए सिखाया गया कि बिना अतिथि को दिए, कोई यदि दरवाजे पर आ गया हो तो उसको खिलाए भोजन करना नहीं चाहिए, ये धर्म है महाराज। गाय को, अतिथि को, सेवक को, भिक्षुक को, अभिवज्य चाशिन्या देव पितृतिथिष्वपि परिचारकवर्गेषु गोसु भिक्षुकुलेषु च, इनको भोजन देकर के बिटिया तब भोजन करना। और का घर की सामग्रियों को ठीक से और सजा कर रखना भी पत्नी का धर्म है, ध्यान से समझना। एने के घर में सामान इधर उधर फेंका रहे, सामान को व्यवस्थित रखना और घर में सजा करके रखना, यह भी आपका धर्म है, ये भी सिखाया। और कहा पति की आज्ञा के बिना उपवास आदि भी न करें। और
कहा कि जो व्याधिग्रस्त हैं, जो क्लिब हैं, जो दुखी हैं, जो बूढ़े हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई रोगी है, असक्त है, उसका अपमान मत करो। कोई क्लिब है, उसका अपमान मत करो। कोई दुखी है, उसका अपमान मत करो। कोई बूढ़ा है, उसको कभी चिढ़ाना मत, उसका कभी अपमान मत करना। यह धर्म है महाराज, धर्म यह सिखाता है। और का स्त्री धर्मणी त्रिरात्रम च स्वसुखम नैव दर्शयेत। जो स्त्री का सहज धर्म है, जो मासिक धर्म है, वह हो तो 3 रात्रि पर्यंत तक दूर रहे, पति से दूर रहे, और फिर 4थे दिन स्नान से शुद्ध आदि हो करके उसके बाद पति के पास जाना चाहिए। हरिद्रा कुंकुमम चैव सिंदूरम कज्जल आदिकम कूर्पाशकम च तांबूलम माल्या भरण आदिकम। एक बात का और ध्यान रखे, यदि अपने पति को दीर्घायु रखना चाहते हैं तो हर स्त्री को माथे पर सिंदूर जरूर धारण करना चाहिए। आप जब अपने मांग में सिंदूर भरती हैं नित्य, तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। पति आपकी रक्षा करे, यह धर्म है हमारा। पति हर प्रकार से रक्षा करता है, तो आपका भी धर्म है कि अपने मांग में मंगलमय सिंदूर को हमेशा धारण करें, सौभाग्यवती के चिन्ह को धारण करें। मांगलिक आभूषण कभी निकालना नहीं चाहिए। कान में कर्णफूल होना चाहिए, कान खाली नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। गले में मंगलसूत्र, कान में कर्णफूल और मांग में सिंदूर, ये 3 चीजें जरूर धारण करना चाहिए। मंदोदरी के कान का कर्णफूल गिर गया था, आपको पता है, ज्योतिषियों ने कहा यह रावण के मृत्यु का सूचक है। आप समझते हैं? इसलिए विवाहित होकर के बिना सिंदूर के मत रहना, यह सनातन धर्म है। आजकल कुछ स्त्रियां फैशन में ऐसा नहीं करती हैं। एक बार एक कथा मिलती है कि एक बार माँ जानकी मांग में सिंदूर भर रही थी, आपने सुना होगा, पास में हनुमान जी थे, उन्होंने धीरे से पूछ लिया, मैया मैया अब ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो जानकी जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं सिंदूर लगाती हूं ना तो तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। अच्छा, सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ेगी, हमारे प्रभु की आयु बढ़ेगी? माँ ने कहा हाँ। तो हनुमान जी ने कहा, मैया मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूंगा। और हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया। हाँ महाराज, स्त्रियों को, विवाहित स्त्रियों को बिना सिंदूर के रहना नहीं चाहिए, ये धर्म है, सनातन धर्म है। और न रजक्या न बंधक्या तथा श्रोणया न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कारयेत् क्वचित्। देखिए, व्यभिचारिणी स्त्री से कभी दोस्ती मत करना, ये भी स्त्रियों का धर्म है। जो व्यभिचार में लगी स्त्रियां हैं उनसे दूर रहना। जो स्त्रियां पति के खिलाफ भड़काती हों, जो स्त्रियां इधर उधर की बातें सिखाती हों, इस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना। मतलब एक दूसरी भाषा में कह दूं तो मंथराओं से दूर रहना, ये भी धर्म है। आप समझ गए? मंथरा हर जगह पाई जाती है। अब ये आएंगी हर जगह। अब मान लीजिए कोई दुल्हन आई है, विवाह हुआ है, 15 दिन हुआ, अब वो बेचारी बर्तन माँज रही थी, अब आकर कहती तू आई थी तो मुखड़ा देखा था हमने, कितनी सुंदर।